हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घूमते रह जाओगे। मैं इस वक्त घूम रहा हूँ उज्जैन, और आपको आज इस वीडियो में उज्जैन के जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है, मंदिर है, वो मैं बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा सारे मंदिर की विजिट करने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप उज्जैन प्राइवेट कार से नहीं जा रहे हो तो यहाँ पर घूमने के लिए इस टाइप के टेम्पो होते हैं जो तुम्हें अलग अलग मंदिर की विजिट कराएंगे। सारे मंदिर ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के एरिया में ही है। पहला मंदिर है भर्तृहरि की गुफाएं। यहाँ पर भर्तृहरि के बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई है। ये गुफा में जाने का रास्ता है, यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए अंदर की फोटोज मैं नहीं बता पाऊंगा। सेकंड प्लेस है गढ़ कालिका माता मंदिर। काल भैरव टेम्पल का बाजार है पूरा। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ पर चढ़ावे में शराब चढ़ाई जाती है। आप देख सकते हो कि प्रसादी के तौर पर यहाँ पर शराब की बोतल है रखी हुई है।
उसके बाद है महर्षि सांदीपनि आश्रम, उसके नज़दीक में ही है मंगलनाथ मंदिर। और इन सब में सबसे प्रमुख है महाकालेश्वर टेम्पल। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जिसके लिए उज्जैन जाना जाता है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है।
ये स्क्रीन पर आप देख सकते हो बाहर ज्योतिर्लिंग है, अंदर की फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। महाकालेश्वर के नजदीक ही है हर सिद्धि माँ टेम्पल। उज्जैन से 3.5 घंटे की दूरी पर आया है खंडवा, जहाँ पर दूसरा ज्योतिर्लिंग है जो है ओमकारेश्वर। यहाँ पर भी अंदर आपके जाना है तो ऐसी ऑटो में जाना पड़ता है, अगर आपके पास प्राइवेट कार नहीं है तो। ओमकारेश्वर टेम्पल पर जाने के लिए 2 रास्ते आते हैं, एक यहाँ से ऊपर जाने का जो ब्रिज पे होके जाता है, और एक नीचे से बोट के थ्रू जाना पड़ता है। यहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर लगता है। अगर आप ऋषिकेश गए हो तो आपको बिल्कुल ऋषिकेश वाली फीलिंग आएगी यहाँ पर। Thank you.
ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जल्दी मिलते हैं फिर किसी और प्लेस पे, तब तक के लिए बाय।